नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, खबर आपके जान से जुड़ी हुई, खबर आपकी सांसों से जुड़ी हुई। दरअसल दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण जो है वो एक बार फिर से बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में जो वायु प्रदूषण बढ़ा वो दिवाली के ठीक बाद से बढ़ा। दिवाली में जो एयर की क्वालिटी थी दिल्ली में वो पिछले 10 सालों में सबसे बेहतर थी, लेकिन दिवाली की रात जो आतिशबाजी हुई उसके बाद से एयर क्वालिटी में लगातार जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। आज सुबह अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग स्थानों में 350 से ज्यादा है। कुछ जगहों पर 363 है, कुछ जगहों पर 395 है, जिससे बहुत खराब जो श्रेणी में एयर क्वालिटी है उसमें रखा जाता है। और सबसे अहम बात यह भी है कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल इस एयर क्वालिटी से निजात मिलती नहीं दिख रही है, यानी जो प्रदूषण है उससे निजात मिलती हुई नहीं दिख रही है। अगर आप स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी वाली कंपनी जिसे हम IQ एयर के नाम से भी जानते हैं, अगर उसकी रिपोर्ट देखें तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो शहर है उसमें दिल्ली का नाम आता है। उसके बाद पाकिस्तान के लाहौर है और कराची है। मुंबई और कोलकाता ने 5वें और 6ठे स्थान को हासिल किया है। ये जो स्थान है इसे हासिल करने में मुझे नहीं लगता कि कोई गर्व होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाले स्थानों में देश के, अगर हम दुनिया की बात करें तो देश के 3 शहर आते हैं और दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप 1 में आता है। जो रात आतिशबाजियाँ हुई हैं उसमें जो सबसे खराब, जिसे हम 2.5 कहते हैं, जो सीधे सांस के नली से अंदर जाता है, वो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी उसने पॉल्यूट की है और यही वजह है कि AQI जो है वो खराब हो गया है। बहरहाल मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले समय से इसमें राहत मिलती नहीं दिख रही है, इसलिए अगर आपको बहुत कोई ज़रूरी काम ना हो, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो घर में ही रहें। इस समय किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज जो है आउटडोर, जैसे दौड़ना, टहलना, साइकिलिंग करना, उन सबको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं जब तक हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।